घर में बासी रोटी का इस्तेमाल किया जाए उस घर में क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप सुनकर जाइएगा। अगर आप भी बासी रोटियों को फेंक देते हैं, कचरे वाले को बेच देते हैं, गाय भैंसों को डाल देते हैं, तो आप इनके फायदे जानने के बाद बासी रोटियों को तनावुल करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। बासी रोटियां बहुत सी बीमारियों से शिफा का जरिया बनती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासी रोटी खाना साबित है, पर बासी रोटी कहते किसे हैं? बासी रोटी उसको कहते हैं जो रात की पकी हो और दिन में इस्तेमाल कर ली जाए, दिन की पकी हो तो रात में इस्तेमाल कर ली जाए, या एक दिन की पकी हो, ज्यादा देर पड़ी रहे या उल्ली लग जाए या बिल्कुल ही सूख जाए, उसको बासी रोटी नहीं कहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने को कुछ है? तो हज़रत उम्मे हानी फरमाती हैं कि जी नहीं, खाने को कुछ नहीं है, हाँ लेकिन सिरका और एक बासी रोटी पड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी रोटी और सिरका तनावुल फरमाया। तो आज की साइंस के मुताबिक, आज के माहिरीन के मुताबिक, मैं आपको बासी रोटी के ऐसे फवाइद बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। फायदा नंबर एक, ये ज़ियाबत्स के मर्ज से शिफा दिलाती है। ये ज़ियाबत्स के मर्ज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जो लोग सुबह का नाश्ता बासी रोटी के साथ करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन गज़ा है और जिस्म की तवानाई का खजाना है। और फायदा नंबर दो, जो लोग बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं या आप बासी रोटी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, ब्लड प्रेशर ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा लो होगा, बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में रहेगा। ये आपके हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त बना देगी, आपके जिस्म को भरपूर तवानाई अता करेगी। और फायदा नंबर तीन, जिन लोगों को मैदे की तेजाबियत का मसला रहता है, मैदे की तेजाबियत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, या हाजमे का मसला रहता है, रोटी जल्दी हजम नहीं होती, तो उन लोगों को भी चाहिए कि बासी रोटी का इस्तेमाल करें। अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई बीमारियों का शिकार रहता है, आप बीमारियों का शिकार रहते हैं, तो आप कुछ हफ्ते बासी रोटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और खास तौर पे आप 10 मिनट के लिए बासी रोटी को दूध में भिगो दें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, तो आप इसके हैरानकुन फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी, आपका जिस्म तवानाई से भरपूर हो जाएगा और आप ऐसे जुमले अमराज से सेहतयाब हो जाएंगे। तो बासी रोटी खाया करें, यह मुस्तफा करीम से भी साबित है। और जिस घर में भी बीमारियां बहुत ज्यादा हों उनको भी चाहिए कि बासी रोटी का इस्तेमाल किया करें।